वो सब तो ठीक है, मैं खूबसूरत लिबास में बेड पे बैठी हूँ। आप मेरे बेड पे कैसे आ गए? नहीं, मुझे तो जबरदस्ती बिठाया गया। अच्छा। हम लोग शूट कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी शानदार फिल्म बनी है काजल, और आज आई थिंक रैप अप है इस फिल्म का। सारे सीन, सारे गाने, सारे सीक्वेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत शानदार फिल्म बनी है, सिर्फ मेरा गाना बचा था और उसको अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, और इसके बाद बहुत जल्द ये फिल्म तैयार हो जाएगी थिएटर में, आप लोग जाके देख सकते हैं इस फिल्म को। आम्रपाली जी, वैसे बेसिकली आप जब भी आपने आइटम सॉन्ग किया, बड़ा धमाल हुआ है, बड़ा धूम हुआ है, ये सबने देखा, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं जी, तो इस करती है इस गाने से स्पेशली। मैं यही कामना करती हूँ कि मेरे गाने जैसे हमेशा सबको अच्छे लगते हैं, वो इस फिल्म का गाना भी सबको उतना ही अच्छा लगे, और बेटरमेंट हो इस फिल्म के लिए मेरा गाना। इस फिल्म की जो हीरोइन है काजल, मुझे बहुत प्यारी लगती है वो लड़की, और आई जस्ट होप कि ये फिल्म उसके लिए एक माइलस्टोन हो और वो बहुत आगे जाए अपनी लाइफ में। ओके, आपको किसने आपको अप्रोच किया? एक्चुअली हम लोग शूटिंग कर रहे थे गबरू फिल्म की, और उस सेट पर मेरे साथ माया जी भी थी, माया यादव जी, वो मेरी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फिल्म के मेकर्स एक गाना करवाना चाहते हैं आपसे, तो बात कर लीजिए। तो उसी सेट पर आए थे हमारे डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर सर, वहीं पर हमारी मुलाकात हुई थी। आपको पता है इस फिल्म में काजल राघवानी ने भी एक गाना किया है, आम्रपाली दुबे एक गाना कर रही है, प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं, मेकर से कह रहे हैं कि ये हमारी फिल्म के लिए सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज ये होगा जी। आम्रपाली जी को क्या लगता है कि बेसिकली सिर्फ दो गानों के बारे में, दो अगर गानों की बात करें, तो इससे फिल्म को कितना फायदा हो सकता है इन थिएटर्स? आई थिंक एक फेस वैल्यू होती है जिसको देख के लोग एक अच्छी स्क्रिप्ट देखने चले जाते हैं। मैं ये हमेशा बिलीव करती हूँ कि अगर कोई पोस्टर पर अगर कोई नया चेहरा है जिसको ऑडियंस बहुत ज़्यादा अभी नहीं जानती, तो उन्होंने बहुत कमाल की फिल्म भी बनाई होगी तो भी ऑडियंस तक पहुँचेगी कैसे? लोग पोस्टर देख के अगर नहीं गए तो अगर पोस्टर पर काजल जी या मेरे जैसा कोई चेहरा होगा तो उसे देख के लोग कम से कम गाना देखने ही जब थिएटर में जाएंगे तो उनको पता चलेगा गाना तो था ही, फिल्म भी इतनी अच्छी थी जो हमें देखने मिल गई। सो आई थिंक फेस वैल्यू बहुत असर करता है एक अच्छी स्क्रिप्ट पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लोग के साथ काम करके, बिकॉज बहुत ही क्या हुआ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लोगों के साथ काम करके बिकॉज हम लोग ने जब फिल्म के बारे में मैंने सुना था, डायरेक्टर ने मुझे इस फिल्म की कहानी का के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कहानी है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी है और ऐसी स्क्रिप्ट का पार्ट होके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बेसिकली आज यहाँ पर गाना शूट हो रहा है, आप बताएंगे क्या गाने की खासियत है, गाने का स्पेशल अट्रैक्शन क्या है आदित्य मोहन को छोड़ के? सबसे पहले तो आप सबको वेलकम है हमारे सेट पे। जे गाना बाओ, सबसे पहले तो गाना के खासियत बाओ, गाना के लिरिक्स, म्यूजिक जे बहुत ही खास बा, जे हर गाना के खास बा फिल्म के, रामदेव सर की कोरियोग्राफी, और जो सबसे खास बात बा वो एक बार गाना में बाकी एक गाना में स्पेशल अपेयरेंस करता रही आम्रपाली दुबे जी, तो हमारा ऑडियंस के, हमारा दर्शकन के आदित्य मोहन दुबे के संगे आम्रपाली दुबे के ठुमका देखे के मिली ये गाना में। नहीं, मैं तो नहीं लगा रहा, मैं ठुमके देखने के लिए आया हूँ। और ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, इस फिल्म में पूरे सॉन्ग्स बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं। हर्षित, आप पर भी कोई गाना फिल्माया गया है इस फिल्म का? हाँ, एक रोमांटिक सॉन्ग मेरे ऊपर फिल्माया गया है, दैट्स अ वेरी गुड सॉन्ग इन द मूवी। और ओवरऑल सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं, मार्केट में आएंगे तो हिट हो जाएंगे। आप अभी न्यूकमर हो, आपकी फर्स्ट फिल्म है, आई एम टॉकिंग अबाउट भोजपुरी ओनली, मैं भोजपुरी की बात कर रहा हूँ, तो आपने आज कुछ यहाँ पे देखा होगा, कुछ सीखा, डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस? या आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स, लाइक सेट बहुत ही प्यारे सेट हैं और यहाँ काफ़ी सीनियर्स लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली पिक्चर मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा, मेरे लिए बहुत अच्छा। आदिल सर ने, ब्रज सर ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया है, और आदित्य मोहन जी, काजल यादव जी, माया यादव मैम, सब लोग मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं, सारी टीम, मतलब मैं कितनी भी तारीफ करूँ ना कम है ये। एक्चुअली ही इज़ ऑलरेडी गुड एंड ही डिड लॉट ऑफ वर्क्स इन थिएटर एंड ऑल दोस थिंग्स, सो ये खुद ही काबिल के तारे, काबिल तारीफ़ हैं, और खुद ही इतने अच्छे एक्टर हैं,
और मैं ये बोलूँगा कि अभी तक मैंने जितनी भी भोजपुरी फिल्में देखा है तो मतलब इस तरह का मतलब सेट मुझे नहीं मिला। मैं अगर शूट आज कंप्लीट हो जाएगा ना तो कल से मैं बहुत मिस करूँगा इसको। अच्छा, कौन कौन सी भोजपुरी फिल्में देखी हैं? दबंग सरकार, घर वाली बाहर वाली, दैट्स इट। अच्छा, दो ही फिल्में देखी हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द होल जॉनर। सर, आदि साहब पीछे बड़ी सारी हीरोइनों की फोटोज लगी हुई हैं, वो आपको वहां से देख रही हैं। आप जिन्हें आप मुझे नहीं देख रही, वो आपको देख रही हैं। नहीं, आप भी मुड़के लेकिन देख सकते हैं। नहीं तो मुझे इतनी तकलीफ करने की जरूरत क्या है? तो आम्रपाली दुबे के बारे में, जब आपने कभी आम्रपाली दुबे का कोई गाना देखा था? नहीं तो मुझे तो याद नहीं है। नाम सुना मार्केट में, मैंने नाम सुना कि वो बहुत अच्छा करती हैं, इसके लिए मैंने कहा नहीं इनको लेना है इसमें। आदित्य, आपने भी कभी आम्रपाली के साथ कोई काम नहीं किया? नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस है उनके साथ और पहला बार उनके साथ काम करता। नहीं, भोजपुरी के टॉप एक्ट्रेस है, आज के में स्टारडम बा उनकर, काफ़ी पॉपुलर रही, अच्छा फैन फॉलोइंग बा उनकर। पहला बार उनके साथ काम करता नहीं। ये फिल्म में काजल रखानी भी बाड़ी, जिनका संग अभी पहले हम काम कर चुके बानी, शोज वोज कर चुके बानी। आम्रपाली जी के संग हमारा पहला काम भाई। बेसिकली आम्रपाली की अगर एक एक खासियत आप बताना चाहें तो सबसे बड़ी खासियत कौन सी आम्रपाली दुबे के बारे में आप बताना चाहेंगे जो आज आपने यहाँ पे नोटिस किया हो? देखिए, अभी तक तो हमारा कोनो सीन निकी बल जी हम पर्सनली नोटिस करी, और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा सक्सेस है, बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग जो उन्होंने बनाया है, जो शायद बहुत कम लोगों को अब तक मिला है। म्यूजिक और गाने कितने शानदार लगे आदित्य भुवन को खुद? पूरी फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं और बहुत शानदार हैं, और काफ़ी अच्छा मेहनत किया है इस पे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर एस कुमार जी ने, और मैं चाहूँगा कि वो भी फ्रेम में आए प्लीज़। बिल्कुल, एस कुमार जी कहाँ हैं, उनको हाजिर किया जाए। जी, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, और इन्होंने काफ़ी अच्छा म्यूजिक दिया है इस फिल्म में, काफ़ी प्यारे गाने हैं और काफ़ी गानों को तो खुद इन्होंने ही लिरिक्स लिखा है। काफ़ी मतलब बोलते हैं मल्टी टैलेंट, जो मसाला जो पूरा कूट कूट के भरल रहे लनो, वो पूरा ही आदमी भरल बा, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मौका मिलना चाहिए। बोली है ये बारूद है, बारूद भैया। जी 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 सर, गाना आपने लिखा है? जी सर मैंने लिखा है। क्या ख्याल चल रहा था जहन में उस वक्त जब ये गाना लिखा था? जब मैंने पिक्चर साइन किया तो लगा कुछ अच्छा किया जाए। एक्चुअली ये रात को सोने गए थे। हाँ, ये जो गाने का बोल है ना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये रात को सोने उन्हें जा रहे होंगे तो दूध पिए होंगे, तो इनका थॉट आया होगा कुछ दूध पे कुछ गाना लिखा जाए। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। आपको भी मुबारक हो। सेट पर सर आज आपको एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी गई, सर आप बताएं ये किसका आइडिया था? और ये मेरे बच्चे का आइडिया था जी। जो दो मेरे बच्चे यहाँ हैं, अबू शामा और अब्दुल्ला, उन लोगों का ये आइडिया था। सेट पर क्या शूट हो रहा है स्पेशली, और गाने सॉरी इसमें आर्टिस्ट कौन कौन? गाना शूट हो रहा है उसमें आम्रपाली जी हैं और आदित्य मोहन हैं। बेसिकली जो किस मूड का गाना बनाया गया है आम्रपाली के लिए? अभी आप लोग तो सुन ही रहे हैं गाने को, लेकिन ऑडियंस नहीं सुन रही है। तो आप सुन रहे हैं ना, आप उसमें डाल दीजिएगा। ये मैंने फाइनल किया कि इनको लिया जाए इस गाने पे, इस गाने पे इनको लिया जाए। दूसरा एक गाना था जो आप भी आए थे उस दिन, उसमें जो है काजल राघवानी को लिया, ये मेरा आइडिया था। इसका तो जो है म्यूजिक तो यश कुमार ने दिया है, और क्या नाम है, रामदेवन जी हैं, और क्या पूछो, मैं तो भूल जाता हूं। रामदेवन जी जब हम पिछली बार यहां पर आए थे, काजल राघवानी जब शूट कर रही थी तभी रामदेवन जी का ही जी जी कोरियोग्राफी थी इसमें, पूरे गाने का वही कर रहे हैं जी, रामदेवन ही पूरा गाना कर रहे हैं। क्या चीज सबसे अच्छी लगी आपको रामदेवन जी की कोरियोग्राफी के बारे में? रामदेवन के हर मतलब उनके काम करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। फिल्म कब तक आ जाएगी आपके? फिल्म तो हम सोच रहे हैं कि अप्रैल में रिलीज कर दें। ऑडियंस से ये कहना चाह रहा हूँ कि फिल्म जाएं, टाकीज में देखें,